नमस्कार दोस्तों, आपने कई परंपराओं और संस्कृति के अनुसार तो सुना होगा मंगल दोष के बारे में। अगर कोई मांगलिक लड़की होती है या मांगलिक लड़का होता है तो वह उसी लड़की या लड़के से विवाह कर सकती है जो मांगलिक दोष से घिरा हुआ हो, वरना अगर वह किसी और से शादी करती है तो पति या पत्नी कुछ शादी के कुछ महीने बाद या दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है और यह मैं नकारती हूँ। ऐसा क्यों? इसलिए मेरी इस वीडियो को देखिए कि क्यों अगर मांगलिक दोष होने पर अगर लड़की या लड़का किसी अमांगलिक लड़की या लड़के से शादी करती है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। वैसे तो सांस्कृतिक उपायों में पुराणों के अनुसार माना जाता है कि आप इनके उपाय घर बैठे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इनके उपाय घर बैठे करने से आपके सारे दोष भी निवारण हो जाएंगे। और उसके निवारण के लिए आप मेरी वीडियो से उपाय जानकर उन उपायों को करने से आपके कुंडली में मांगलिक दोष खत्म तो हो जाएगा, कुछ प्रभाव तो कम हो ही जाएंगे। ऐसा करने से आप मांगलिक दोष का निवारण भी कर सकते हैं। मांगलिक दोष को वैसे कुंज और भूम नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि पहले, दूसरे और सातवें, आठवें और बारहवें स्थान पे मंगल होने पर वह मांगलिक दोष कहलाया जाता है। जिन लड़का या लड़की का मांगलिक दोष होता है इन स्थानों पर मंगल ग्रह होता है तो वह लड़का या लड़की मांगलिक कहलाते हैं। इसका निवारण वे घर बैठे भी कर सकते हैं। नंबर एक, कुंडली में 12 स्थान होते हैं और 12 स्थानों में पहला, दूसरा और सातवां, आठवां और बारहवें स्थान पर यदि मंगल होता है तो वह मांगलिक दोष माना जाता है। यदि किसी लड़का या लड़की में यह स्थान पर मंगल होता है तो माना जाता है कि मांगलिक की छाया है। उस छाया को जब ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है जब विवाह का योग मिलाया जाता है, क्योंकि लड़का और लड़की की कुंडली को मिलाने पर जब ही पता चलता है कि कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं, तो उस प्रभाव को कम करने के लिए उपाय भी हमारी संस्कृत में लिखे हुए हैं। यदि आप उन उपायों को करेंगे तो आपकी कुंडली में यह मांगलिक दोष कम हो जाएगा। नंबर टू, मांगलिक दोष स्त्री और पुरुष दोनों में होता है। यह ऊर्जा का होता है। जिसकी भी कुंडली में मांगलिक दोष होता है उसका स्वभाव गर्म होता है और वह अपने स्वभाव के कारण ही अपनी उत्तेजना यानी कि ऊर्जा को उग्र करता है। कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो वह कुछ ज़्यादा अधिक प्रभाव नहीं डालता बल्कि आपकी शादी में देरी करता है। नंबर तीन, मंगल ग्रह के जो लोग होते हैं उनके जीवन में कलह और तनाव हमेशा बना रहता है और यह जब भी खत्म हो सकता है जब आप मांगलिक दोष यानी कि लड़का और लड़की दोनों ही मांगलिक होते हैं और उनकी शादी एक साथ कराई जाए तो यह परेशानी उनके जीवन में नहीं आती है। यह मांगलिक दोष इसलिए मिलता है क्योंकि पहले जन्म में आपने अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छा व्यवहार ना किया होगा, इस वजह से आपको इस जन्म में मांगलिक दोष मिला है। नंबर तीन, यदि मंगल दोष आपके पहले स्थान पर है तो वह आपके जीवन में कलह और परेशानी लेकर आ सकता है और यदि आपका मंगल ग्रह स्थान दो पर है तो वह आपकी शादी और नौकरी को लेकर ज़्यादा परेशानी जता सकता है और यदि आपका मंगल ग्रह चौथे स्थान पर है तो वह आपकी ज़िंदगी में असंतोष लेकर आएगा और यदि आपके मंगल दोष सातवें स्थान पर है तो वह आपकी ज़िंदगी में तूफान भी मचा सकता है। कहते हैं कि इसका स्वभाव उग्र होता है, इसलिए भी उस स्वभाव के कारण आपके जो भी चीज़ आपको मिलने वाली होती है वो देर से मिलती है लेकिन मिल तो जाती है। यदि आपका मंगल दोष आठवें स्थान पर है तो आपको परिजनों से ज़्यादा दूर रहना पड़ेगा और आपको ज़्यादा से भी बेदखल किया जा सकता है और अगर यदि आपका मंगल ग्रह बारहवें स्थान पर होगा तो आपके मानसिक तौर पर कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहेगी। मांगलिक दोष के निवारण, यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसके कुप्रभाव को दूर करने के लिए आपको मांगलिक लड़का या लड़की से ही विवाह करना होगा। इससे आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आपका जीवन सुख और समृद्धि से ही निपटेगा। और यदि आप मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उस हनुमान चालीसा पढ़ने से भी आपके जीवन में मांगलिक दोष के निवारण के लिए जो भी लड़का या लड़की मांगलिक है उसके लिए लाल मूंगे की सोने की अंगूठी बनवाएं और उस सोने की अंगूठी अनामिका की उंगली में पहनाएं और अनामिका भी आपके दाहिने हाथ की होनी चाहिए। यदि आप अनामिका में यह रिंग पहनते हैं तो इससे आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी और यदि आप मांगलिक हैं तो उससे सबसे अच्छा तरीका है कि उस समय तक मांगलिक दोष काफ़ी कम
हो जाता है और जिसके बाद आपकी शादी होने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये थे कुछ ऐसे कारण यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है उनको खत्म करने के लिए या जानने के लिए। अगर आपको पता चल भी जाता है तो उसके लिए उपाय भी हैं। ऐसा करने से आपको जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।